ये है आरोपी मनोज कुमार, जिस पर जिम्मेदारी थी सेवा सुरक्षा सहयोग की, क्योंकि ये पुलिस में थे। लेकिन इस पुलिस कर्मचारी ने वर्दी में तौहीन करते हुए 20,000 रुपए की रिश्वत ले ली और उसके बाद रंगे हाथों गिरफ्तार हो गया। दरअसल दो गुटों में कोई विवाद चल रहा था, समझौता होना था, लेकिन पुलिस कर्मचारी अपनी जेब भरने में जुटा हुआ था। समझौते के नाम पर एक गुट से पैसे की डिमांड की गई, 20,000 रुपए में बात तय की गई और उसके बाद शिकायतकर्ता ने इस बात की जानकारी विजिलेंस को दी। विजिलेंस की टीम अलर्ट हुई और जब आरोपी पुलिसकर्मी ने 20,000 रुपए लिए तो स्टेट विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। राकेश कुमार है, उसके साथ जो है कमेटी का आपस का लेन देन है, इस संबंध में हमने भाई कोई हमारे को थाने में बुला रहा हूँ, क्यों बुला रहा और बुला करके जो भाई जो एसी मनोज कुमार है और वो उसको डील कर रहा था और उसने भाई जो वहाँ पर कोई समझौता भी हो गया था, लेकिन भाई कह रहा था भाई 20,000 रुपये मारे थे भाई कटोरी से मांग कर रहे हैं, तो इस संबंध में आपका मैजिस्ट्रेट को नोट करके तो लोगों से क्या अपील करेंगे सर, कोई होगा और कोई अधिकारी कर्मचारी रिश्वत मांगता है तो बेहिचक स्टेट विजिलेंस पे आ सकता है? कोई भी अगर कोई भी किसी भी विभाग का सरकारी कर्मचारी कोई भी अगर अपने किसी काम की अवैध में कोई रिश्वत मांगता है तो हमारे को इन्फॉर्म करें, हम उसको रिश्वत। ये 20,000 रुपए की रिश्वत दो गुटों में समझौता करवाने के एवज में ले रहा था। आरोपी पुलिस कर्मचारी सेक्टर 4 चौकी में कार्यरत है। फिलहाल आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। स्टेट विजिलेंस टीम ने भी लोगों को कहा है कि किसी मामले में रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई काम करने के बदले सरकारी अधिकारी या कर्मचारी रिश्वत मांगता है तो हमसे शिकायत करें। करनाल से केसी आर्या और विकास महला, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।